गोकुल शर्मा, महामंत्री, बनारस होटल एसोसिएशन। गोकुल जी, किस त्यौहार की तैयारियों में जुटे हैं और किस तरह से होटल इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद होने वाला है ये जो आने वाले 23 नवंबर को इस बार देव दीपावली महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। चूँकि लगभग 25-30 साल से वाराणसी में ये महोत्सव नित्य प्रतिदिन एक नए कीर्तिमान को स्थापित करता जा रहा है। जैसे कभी किसी समय 10 लाख लोग जुटते रहे तो आज 25 लाख लोग जुट रहे हैं इसमें, और इस बार तो और अत्यधिक ज़्यादा आने की संभावना है। और हमको लगता है कि जो सारे पर्यटन ट्रेड के लिए ही, खाली ये सिर्फ होटल या होटल व्यवसाय से संबंधित नहीं है, वाराणसी में जितने भी प्रकार के ट्रेड हैं, बिजनेस हैं, सबको ये लाभान्वित करने वाला त्यौहार बन गया है। चूँकि इसमें नौकायान करने वाले लोगों को भी इससे लाभ मिलता है, जो यहाँ आते हैं, जो लोग रुकेंगे, चूँकि हम लोग हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से हैं तो हम लोग का दायित्व और ज़्यादा बढ़ जाता है कि किस प्रकार से हम लोग आने वालों को सुविधा दें। अयोध्या में दीपावली मनाए जाने के बाद अब काशी में देव दीपावली को बड़े ही ग्रैंड तरीके से मनाने की तैयारी हो रही है, और वाराणसी का ये सबसे बड़ा पर्व भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दिन खास मौजूद भी रहने वाले हैं वाराणसी में। 23 नवंबर को देव दीपावली का पर्व है और आप साफ देख भी सकते हैं इसको लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। गंगा में ट्रैफिक जाम की स्थिति नावों की वजह से उस दिन रहती है और नावों को ठीक किया जा रहा है, दुरुस्त करने का काम चल रहा है। घाटों पर रंग रोगन शुरू हो गया है, हर तरफ देव दीपावली का उत्साह देखने में मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बनारस के जो 80 घाटों की लंबी श्रृंखला है वहाँ पर हर घाट दुल्हन की तरह सस्ता है, और इस तैयारी को अंतिम रूप देने का काम तेजी से चल रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले सैलानी काशी की असली पहचान और जो असली पर्व है देव दीपावली उससे सीधे रूबरू हो सके। गोपाल मिश्र, ईटीवी, वाराणसी।